अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मैनेजर साहब ये समझेंगे मेरी मजबूरी, या नौकरी से निकाल देंगे वो। देखो नफीसा, मैनेजर साहब इंसान नहीं है, वो पैसे के पुजारी हैं। और अगर उन्हें पता चला कि तुमने दिन में कोई सेल नहीं की तो वो एक ही बात कहेंगे, कल से काम पर मत आना। असल में ये जो आपके घर का मसला है, ये हमेशा के लिए रफा दफा कर दिया इस खासदार ने। पहले मैंने सोचा कि मालिक मकान को 3 महीने का किराया दे के चुप करा दूं, फिर सोचा कि वो बदलियाज इंसान अगले महीने फिर तंग करेगा, इसलिए मैंने उससे ये मकान ही खरीद लिया। एक मुश्किल हल करती हूँ तो दूसरी मुश्किल आ जाती है। अब इसको देखो शाकिर भट्ट को, खामो कहीं पीछे पड़ गया हमारे। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो आइंदा यहाँ नहीं आएगा। तुम्हें पता है नताशा कितने की सेल हुई है, वो भी एक ही घर से। कितने की? पूरे 1800 की। और मच्छर मार स्प्रे भी है, कोल्ड क्रीम भी है, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। जी बाजी। अम्मी के पास फोन कैसे? ये बात किससे कर रही होंगी? क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मैं क्या हुआ आपको मम्मा, किसने मारा है आपको? बताए, मैं इसको मार कर आता हूँ। कुछ नहीं हुआ बेटा, सलमान एक मशवरा दूं क्या? घर शिफ्ट कर लूं? कैसे? पैसे कहां से आएंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दो। नया घर लेने के लिए कम से कम भी 40-45 हज़ार रुपये बयाने देना पड़ता है, फिर 1 महीने का एडवांस रेंट भी देना पड़ता है। हम पे तो पहले 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है इस घर का, 45 हज़ार रुपये, हम तो वो नहीं दे पा रहे, फिर कैसे होगा ये सब? मैंने कहा ना, मुझ पर छोड़ दो। कहीं तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं है कि तुम अपने बुकिंग वाले प्लॉट की रकम मुझ पे खर्च करोगे? कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहे बगैर गुजारा भी नहीं है। क्या ये प्लॉट तो मैं किसी वक्त भी बुक कर सकता हूँ, फिलहाल मुझे जन्नत के प्लॉट की बुकिंग मिल रही है, वो नहीं मैं छोड़ना चाहता। नफीसा की समझ में ये बात नहीं आएगी, वो तो पहले ही मुझसे कह रही थी किसी से भी उधार मांगने की जरूरत नहीं है। तुम बात करो ना, मैंने आज देखा है जिस तरह वो रो रही थी, वो बहुत बेबस होकर मजदूरी कर रही है। तुम बात करोगे तो मान जाएंगे। ठीक है, करके देखता हूँ बात। सुबह रोजा रखने, अलार्म लगाऊं या नहीं इसलिए पूछ रही हूं। अपने लिए लगा ले, मेरा तो पेट खराब है। तुम्हारा तो सब कुछ ही खराब रहता है, मूड क्यों खराब है कल से? चुपचाप जाके सो जाए, तंग ना कर। सामने वाला जो मकान खरीदा है उसके बारे में बताया भी नहीं। तुझे किससे बताया? तुम्हारी अलमारी में कागजात देखे मैंने। इसी बात का तो गुस्सा है, सरप्राइज देना चाहता था तुझे, पर मूड खराब हो गया। हुआ क्या है? सलमान अहमद है ना, जब से लंगड़ा हुआ है ना ये,
एक वक्त की रोटी कमाने तक के पैसे नहीं है। ऊपर से 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। उसका मालिक मकान मेरे सामने उनकी बेइज्जती कर रहा था। रहम आ गया मुझे। मकान खरीद कर मैंने उसको कहा कि भैया बेफिक्र हो जा, जब पैसे हों तब दे देना। जरा सी मेहरबानी जो है ना, उल्टी मेरे गले को आ गई। बेइज्जती करके घर से निकाला है मुझे। क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बेइज्जती किस बात पे की है ये बताओ। मैंने इतना ही कहा था कि बस मकान की मरम्मत का काम है, करवा देता हूँ। नफीसा आगे आई और कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है मरम्मत कराने की। अच्छा, तो नफीसा पे गुस्सा चढ़ा हुआ है। कुछ पूछ रही हूँ बट साहब। नहीं तो और किस पे चढ़ना था? मैंने भी साफ कह दिया कि किराया टाइम पे ना मिला ना तो घर से निकाल दूंगा। वैसे क्या घूर रही हो? देख रही हूँ कि मैं तो नफीसा को अच्छी तरह जानती हूँ और अपने मियाँ को भी। मैं तो साफ साफ बात कर कहना क्या चाहती है? ये तो मैं अब कल नफीसा से मिलने के बाद ही बताऊंगी कि क्या कहना चाहती हूँ। तमन्ना बेगम, अपने काम से काम रखो, समझी? ये तो उसे कल मिलने के बाद ही बताऊंगी कि मैं अपने काम से काम रख रही हूँ या नहीं। जा कर ले अपने अरमान ठंडे, दो जा मिल ले। सलमान जल्दी करे ना, सहरी सहरी का टाइम खत्म होने वाला है, फिर रोजा भी तो रखना है। तुम्हारे कंधे का दर्द ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, काफी बेहतर है। वाकई ठीक हुआ है? झूठ बोल रही? जब पैसे आएंगे ना तो सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। अच्छा, कितनी कमाई की आज? पूरे 1800। वाकई? जी, मैंने रोज के रोज का ना टारगेट बढ़ाना है। 30,000 तक की सेल लेके जानी है। मैंने हिसाब लगा लिया है, 6 महीने में ना हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे और फिर आपका इलाज भी हो जाएगा। फिर मैं और आप मिलके कमाएंगे और हम अपना घर भी खुद खरीद लेंगे। बड़ी बहादुर हो गई हो तुम। होना पड़ा, पहले कहाँ थी। अच्छा, वो शफीक अहमद कह रहा था कि पैसे लिए उससे? नहीं, अभी तो नहीं मांगे, मगर मेरी बात तो सुन लो। जी फरमाए। देखो नफीसा, ये घर अब हमें छोड़ना होगा, हम यहाँ नहीं रह सकते। 30,000 रुपए किराया भरना कोई आसान बात नहीं है। शफीक अहमद से सारी मेरी बात हो चुकी है, वो सारा बंदोबस्त कर देगा। हम उसे आहिस्ता आहिस्ता पैसे लौटा देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कल शाम तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं देख लूंगा शाकिर भट्ट को, छोड़ूंगा नहीं, और अब आपको क्या लगता है वो किसी के सामने जवाब दे नहीं? आप चुपचाप ना सहरी खाएं, मैं देख लूंगी। और कोई जरूरत नहीं शफीक से पैसे लेने की, मैंने हिसाब लगा लिया है। मैं ईद से पहले ना 60,000 की सेल करके दिखाऊंगी आपको। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। चलो, अल्लाह करे जैसा तुमने सोचा है वैसा ही। आमीन। मैंने चाय रखी थी, मैं बस अभी लेके आई चाय। चलो आप निकलो बेटा, जल्दी से निकलो। रुको रुको, नफीसा,
अस्सलाम वालेकुम तमन्ना भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों को स्कूल छोड़ कर आओ जरा, फिर मेरी बात सुनो आकर। वो भाभी मुझे तो ड्यूटी पे जाना होगा, मैं देर हो जाएगी, मैं फिर शाम में ही मिलूंगी। ड्यूटी? नौकरी करती हो क्या? जी भाभी। क्या नौकरी कर रही हो? वो मैं फिर आके ही बताऊंगी, अभी देर हो रही है। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो जल्दी चलो। आज तो बहुत रोजा लग रहा है। हाँ गर्मी बहुत है ना, इसलिए। कराची में गर्मी कब नहीं होती। वैसे रमजान से पहले ठीक था, प्यास लगे पानी पी लिया, भूख लगे खाना खा लिया। तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, तुमने काम ही रमजान में स्टार्ट किया। नताशा मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मुझे समझाना चाहता है कि मैं जितना खुद को मजबूत समझती थी ना, मैं उससे ज्यादा हूँ। समझ आ गया ना। क्या टारगेट है आज का? कल से ज्यादा। तुम अचीव कर लोगी डेफिनेटली। इंशाल्लाह। लगता है आंटी आज भी घर पे नहीं है। अगर घर पे नहीं है तो फिर जाएगी कहाँ? यार मुझे लगता है ये बंदा अंकल से मिलने आता है, शायद उनका दोस्त हो। फिर क्या ये वीडियो हम फजूल बनाते हैं? बनाते रहते हैं, बट साहब को पता चले कि उनके काम पे लगे हुए हैं। यार वैसे मुझे नहीं लगता बट साहब हमें ये कैमरा दिला के देंगे। बेटा अगर वो वीडियो मिल गई ना जिसकी बट साहब को जरूरत है, तो कैमरा तो क्या पूरा बट हमारी मुट्ठी में होगा। ये तो है। दोनों मोबाइल्स के अंदर एक ही कंपनी का सिम कार्ड लगवा दिया है और पैकेज भी करवा दिया। पूरे 4 घंटे भी बात करो ना तो पूरा महीना पैकेज खत्म नहीं होगा। टोटल कितना खर्चा आया? क्यों हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, वापस भी तो लौटाने हैं। हिसाब तो लूंगा मैं क्यामत वाले दिन। यार एक दोस्त से कैसा हिसाब, मेरी तरफ से गिफ्ट है और हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सलमान भाई शर्मिंदा कर रहे हो मुझे, मेरे मुंह पे कह रहे हो एहसान। हाँ तो एहसान ही है और क्या है ये। एहसान तो मुझ पर होगा अगर मुझे अपनी मदद करने दो तो। वो मैंने नफीसा से बात की थी मगर वो मानी नहीं। समझाया नहीं? समझाया था उसे, फिर वो मुझे समझाने लगी तो मेरी समझ में बात आ गई। चलो ठीक है, इसमें नंबर है मेरा, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। फिक्र नहीं करो, जब तक इस व्हील चेयर पे हूं ना तो मैं तंग करता रहूंगा। मैं तंग होता रहूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कह रहा है कि अब आहिस्ता ठीक होगा, जाहिर है इंशाल्लाह पहले से तो बेहतर है तबीयत अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पूरे 24,500। वाह मेरी बहन, नजर उतार लेना अपनी, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। जो हमारे मोहसिन होते हैं ना उनकी नजर हमें कभी भी नहीं लगती। अच्छा सुनो, ये कैश अपने पास रखो, इसे तुम घर ले जाना। कैशियर से फोन पर बात हुई थी, वो आज जल्दी छुट्टी पर चला गया। तो क्या ये मैं अपने साथ घर पे ले जाऊं? हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी जब कैशियर जल्दी छुट्टी पे चला जाता है या फिर हम लेट हो जाते हैं तो फिर हम अपने साथ घर ले जाते हैं, अगले सुबह जमा करवा देते हैं। ठीक है चलें फिर। हाँ
तमन्ना भाभी है? क्या काम है तुम्हारे को? मुझे तमन्ना भाभी ने बुलाया था किसी काम के लिए। नफीसा अंदर आ जाओ। शाकिर आप इफ्तारी का सामान ले आए जाकर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। जी रोजा है तुम्हारा? जी। नौमी कैसा है आप? जी भाभी अब ठीक है। वो नौकरी कर रही हो तुम? जी। क्या नौकरी कर रही हो? वो मैं प्रोडक्ट सेल करती हूँ, मतलब ग्रोसरी का सामान जो परचून की दुकान पे होता है हमारी कंपनी उसको लाट में उठाती है और हम कम कीमत में घर घर जाके बेचते हैं। 8-10% हमारा कमीशन होता है और हमारी कंपनी को भी 10-15% मिल जाता है। कितना कमीशन बच जाता है? जितनी मेहनत होती है उतना कमीशन बन जाता है। शुक्र है अल्लाह का गुजारा चल रहा है। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। आपने कोई बात करनी थी मुझसे? मुझे ये बताओ कि मेरे मियाँ के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है? कुछ कहा उन्होंने आपको? नहीं, इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। बहुत तपे हुए हैं तुम पर। साफ साफ बताओ नफीसा बात क्या है? कह रहे थे बेइज्जती की है तुमने उनकी? मैं एक गरीब और मजबूर औरत हूँ, मैं भला किसी की क्या बेइज्जती कर सकती हूँ? तो फिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारा नाम सुनती उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है? एक तो तुम लोगों पर एहसान किया है, तुम्हारा मकान खरीद के तुम्हें मकान में रायत कर दी है कि जब पैसे होंगे किराया दे देना। जब किसी मजबूर इंसान की खुददारी पे बात आती है ना भाभी, तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कितनी कंपनियों का मालिक है। जब हमें किसी मदद की जरूरत ही महसूस नहीं है तो वो क्यों बार बार हमारी मदद करने पर तुला हुआ है? व्हील चेयर की जिद कर रहा था, मैंने साफ मना कर दिया और मेरी इजाजत के बगैर उसने हमारे घर का बिजली का बिल अदा कर दिया। और तो और मेरे इल्म में लाए बगैर उसने हमारा घर खरीद लिया। क्यों? आखिर वो हम पे इतना एहसान क्यों कर रहा है जब हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है? तो तुम्हें क्या मसला है? करने दो उसे तुम्हारी मदद। किसी की जरूरत नहीं थी आज से पहले मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर घुसने की, और वो बेधड़क हमारे घर में घुसता है। मकान खरीद लिया तो क्या, मुरम्मत के बहाने रोज घर में आने की कोशिश करता है। कल को वो इन एहसानात के बदले हमारे घर के फैसले अपने हाथ में ले लेगा। आप बताएं भाभी, अगर मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? जब मैंने उसको मदद करने से मना कर दिया तो पता है उसने क्या किया? नया किराया नामा बनवा के हमारे घर में भेज दिया। पहले मालिक मकान हमसे 15,000 रुपए किराया लेता था और ये 30,000 रुपए का किराया कर दिया। जब एहसान की जरूरत नहीं थी तो एहसान किए जा रहा था हम पर, और अब हमारा दुश्मन बन गया। वाह, वैसे भाभी आप खुद समझदार हैं, मैं अब आपको और कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा बुरा भला सब आप सोच सकती हैं। अफ्तारी का टाइम हो रहा है, मुझे जाना। नोमी, अगर तुम रोजा रखते तो कितना शोर मचाते। रोजा ना रख के भी तुम्हें टाइम की पड़ी रहती है। तुमको क्या तकलीफ है? अरे चुप हो जाओ तमीज से, हर वक्त लड़ाई करते रहते हो।
किसका मोबाइल बज रहा है? पता नहीं, कमलेश से आवाज आ रही है। अब्बास नहीं है ना? एक दोस्त ने पैसे उधार लिए थे, उसने वापस कर दिए, तो मैंने ये दो फोन खरीद लिए। झूठ बोलने के लिए रोजा खुलने तक का तो इंतजार कर लेते आप। तुम कैसे पकड़ लेती हो मेरे सच और झूठ को? 13 साल हो गए ना आपके सच और झूठ का पीछा करते करते। मगर रास्ते में रहने के लिए फोन का होना बहुत जरूरी था नफीसा। तो थोड़ा इंतजार कर लेते, आ रहे हैं ना घर में पैसे। चलो बाकी की बहस अब अफ्तार के बाद करेंगे। चल बिस्मिल्लाह पढ़ के। रायान खाना तो खा लो। रायान खाना खाओ, ये खा लो। अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो दफा हो जाओ यहां से। होश में तो तमन्ना बेगम? हाँ मैं पूरे होश में हूं, और जिसके होश ठिकाने पर नहीं है ना उसके होश ठिकाने लगाने के मूड में हूं मैं। क्या बकवास कर रही हो? मेरी पूरी डिटेल में बात हुई है नफीसा के साथ, और मैं दिल से चाहती थी कि वो गलत साबित हो और मैं तुम्हारी बेइज्जती का उससे बदला लूं, लेकिन नहीं। मैं अपनी सोच को लेकर शर्मिंदा होकर रह गई जब उसने तुम्हारी नीयत का खोट निकालकर मेरे सामने रखा। शाकिर अजीम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, नफीसा ने तो तुम्हारा लिहाज किया, लेकिन अगर तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका मुझे मिला ना तो पूरा मोहल्ला देखेगा, मैं बता रही हूं।